यंग डॉक्टर्स की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा न होने के खिलाफ जिनाह अस्पताल, जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल और मेयो अस्पताल के आउटडोर बदस्तूर बंद रखे गए और अस्पतालों के बाहर सड़कों पर मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों का इलाज मुआवजा शुरू कर दिया गया। मरीज इसी पर खुश थे कि वार्ड न सही, सड़क पर लगा कैंप ही सही, उनका इलाज तो हो रहा है। मरीजों का कहना था कि हुकूमत डॉक्टरों के मुतालबात पूरे करे ताकि अस्पतालों के अंदर मामूल के मुताबिक इलाज मुआवजा शुरू हो सके। इतनी के लिए सबको काम करना चाहिए और इलाज बाहर भी सही हो रहा है, लेकिन ये है कि अगर ये हॉस्पिटल खुलेंगे तो और फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी है। ये मैं अपनी रिपोर्टें लाया था गुलाब देवी से, उधर चेक करवाया, उन्होंने मैंने इनके पास भेजा था, इन्होंने बहुत अच्छा चेक किया है, अंदर से भी मैं चेक करवा के आया हूँ। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों की तकालीफ को मद्देनजर रखते हुए अस्पतालों के बाहर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं ताकि लोग इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम ना हों। हड़ताल कहना इसको कतन गलत होगा, सिर्फ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को नॉकआउट किया गया है, हमारी तरफ से रिफ्यूज किया गया है। यहाँ भी तकरीबन वैसा ही पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसा अंदर मिलेगा। लैब्स हमारी ओपन है, दवाइयाँ भी अंदर से ही हॉस्पिटल के पेशेंट्स ले सकते हैं। जो मरीजों के साथ हमारा रिलेशन है, क्योंकि हमने उनका इलाज करना है, वो हम कभी भी नहीं भूलते। इस चीज़ के लिए आप पंजाब के जो सारे हॉस्पिटल्स उनके आउटडोर्स बंद है, लेकिन हम मेडिकल रिलीफ कैंप के नाम से एक एहतजाजी कैंप हर हॉस्पिटल के बाहर करें। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने सर्विसेज अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा पूरा होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया। कैमरामैन नासर मसूद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42।